हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोगों की जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है रेफरेंस बुक से, हम लोग जो क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ही आपको बेनिफिट होने वाले है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे जो भी क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों और आगे भी जो करेंगे हम लोग, तो हम लोग रेफरेंस बुक से ही क्वेश्चन यहाँ पे ला रहे हैं, ताकि रेफरेंस बुक्स के क्वेश्चंस भी यहाँ पे कवर हो जाए। जिस तरह से हम लोग टॉपिक भी रेफरेंस बुक से कवर करा रहे हैं दोस्तों, उसी तरह से आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस बनते हैं, हमें पता है तकरीबन वो रेफरेंस बुक से ही क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। और आज का जो हमारा क्वेश्चंस लिया गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, प्रीवियस का जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था दोस्तों मिस लट्टा से डिस्कस किया था ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के ऊपर, और आज का जो क्वेश्चन है ऑर्गेनिक के ऊपर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। तो हमने जो क्वेश्चंस लिया है ये लिया है क्रेडन बुक से, और जो उसका ओल्ड एडिशन था हमारा क्रेडन का फर्स्ट एडिशन, उससे ये क्वेश्चंस लिया गया है। कौन से चैप्टर से लिया है भाई? 38 फ्रेगमेंटेशन और रिएक्शन। फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन का जो चैप्टर में जो एंड होता है, एक्सरसाइज जो होती है दोस्तों, हमने वहां से इस क्वेश्चंस को लिया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, चलो इसे हम लोग अब सॉल्व करते हैं। अब क्या दिया है, कंडीशंस क्या दिया है, जैसा कि आपको दिख रहा है ये कंडीशन यहाँ पे रिएक्टेंट दिया हुआ है हमें, पर एक एरो पे दिया है, एक रिएजेंट दिया है NaBH4 और एसिडिक कंडीशन, दूसरे एरो पे भी दिया है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और एसिडिक कंडीशन दिया है। अब हमें पता है कि ये दोनों ही जो रिएजेंट दिए हुए है हमें, ये क्या करते हैं, इनका रोल क्या है भाई, ये करते हैं रिडक्शंस, रिड्यूसिंग एजेंट है। अब रिड्यूसिंग एजेंट है तो अब इसमें हमें देखना क्या है, रिडक्शन यहाँ पे कौन से वाले फंक्शनल ग्रुप का होने वाला है। तो जैसा कि हमें यहाँ पे दिख रहा है कार्बोनिल कंपाउंड्स, ये जो दिख रहा है दोस्तों अल्फा बीटा साइक्लिक कार्बोनिल कीटोन दिख रहा है, तो इसका रिडक्शन होने वाला है। लेकिन अब यहाँ पे होता क्या है, अब रिडक्शन किस तरह से होगा। अब NaBH4 हमें पता है क्या करता है, इसका नेचर कैसा है भाई NaBH4 का, ये है हमारा वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स, तो कैसा है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। और जो आपका होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये क्या होता है भाई, ये हमारा है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, शॉर्ट फॉर्म में लिखे हमने SRA, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब ये दोनों ही दोस्तों अलग अलग डिफरेंट हमें प्रोडक्ट देते हैं, इसीलिए हमने दोस्तों ये क्वेश्चंस यहाँ पे आपके सामने सेलेक्ट किया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल से दोस्तों। और इसमें जो कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ये वाला कंसेप्ट फ्रेगमेंटेशन। अब इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, हमें ये देखना है कि कौन पहले फ्रेगमेंट करेगा या रिडक्शन करेगा। तो हम लोग पहले डिस्कस करते हैं NaBH4 को, हम लोग पहले डिस्कस करेंगे NaBH4 को, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि बता रहा है आपके क्लेडन सॉल्यूशन मैनुअल्स में क्या दिया हुआ है, आपका जो ये NaBH4 होता है ये कैसा है, नेचर में तो हमें पता है ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट से, तो वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स होने के कारण ये क्या करेगा, यहाँ पे पहली कंडीशन में रिडक्शन नहीं होगा, यहाँ पे पहली कंडीशन में रिडक्शन नहीं होगा, तो क्या होगा फिर पहली कंडीशन में, तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं दोस्तों जो स्टेप फर्स्ट है आपकी वो हो जाएगा फ्रेगमेंट, क्या होगा भाई, फ्रेगमेंट हो जाएगा। अब फ्रेगमेंट किसका होगा और कौन फ्रेगमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे ये नाइट्रोजन, अभी जो नाइट्रोजन दिख रहा है भाई इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है अवेलेबल है। अब ये क्या करता है, देखो इस तरह से इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन के अंदर। अब ये जो बॉन्ड दिख रहा है मैंने जो बनाया हुआ आपको वेट साइड से जो बनाया हुआ है, अब ये क्या करेगा इस तरह से बॉन्ड ब्रेक करता है, लोन पेयर के थ्रू ये बॉन्ड ब्रेक हो गया आपका। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, ये जो डबल बॉन्ड होता है ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा सिंगल बॉन्ड के अंदर। तो स्टेप फर्स्ट में क्या हो रहा है, NaBH4 में फ्रेगमेंट हो रहा है, स्टेप फर्स्ट में क्या हो रहा है, फ्रेगमेंट हो रहा है। तो अब यहाँ पे आपको क्या वाली मॉलिक्यूल मिलेगी, देखो यहाँ पे क्या मिलता है, ये O- आ गया हमारे पास, ये एज इट इज डबल बॉन्ड अरे डबल बॉन्ड। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहीं पे देखो आप स्ट्रक्चर हम लोग बना लेंगे, ये हमारे पास आ गया PH, अब यहाँ पे क्या आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे।
अब यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, ये नाइट्रोजन, ये मिथाइल आ गया भाई, और ये डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे क्या होगा, ये क्लियर हो गया। पहली कंडीशन में क्या हुआ, फ्रेगमेंटेशन हुआ, रिडक्शंस हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ रिडक्शंस, क्योंकि जो NaBH4 है ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। अब यहाँ पे NaBH4 क्या करता है, जो आपका बना है क्या बना है भाई, ये इमाइन बना है। ये क्या है हमारे पास, ये इमाइन है, मैं यहां लिख लेता हूं इसे, ये बना है हमारा इमाइन, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इमाइन कहते हैं। अब इमाइन पे रिएक्शन होती है आपकी NaBH4 की, अब इमाइन पे रिएक्शन होती है आपकी NaBH4 की, NaBH4 क्या करेंगे आप, इमाइन को कन्वर्ट कर देगा अमाइन में, और उसी के साथ साथ ये जो होता है HX एसिडिक कंडीशन, हम लोग यहाँ पे लेंगे एसिडिक कंडीशन, ये क्या करेगा हाइड्रोजन कैप्चर करेगा एसिड से HX से, और ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये क्या करेगा यहाँ पे हाइड्राइड ट्रांसफर करेगा इमाइन को, और इसे कन्वर्ट कर देगा अमाइन में, इसे कन्वर्ट कहाँ में कर देगा, अमाइन में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका प्रोडक्ट क्या मिल रहा है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है दोस्तों, इसके आने के चांसेस है, क्योंकि ये क्वेश्चन लिया गया है आपके रेफरेंस बुक्स के अंदर। और क्यों लिया है दोस्तों ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें क्या देखना है हमें, फ्रेगमेंटेशन कौन करेगा फर्स्ट और रिडक्शन कौन करेगा, क्योंकि दोनों का ही काम रिड्यूसिंग एजेंट है, दोनों ही क्या करते हैं रिडक्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन दी हुई थी, एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट दिया हुआ था, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट दिया हुआ था। तो जैसे कि बता रहा है वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स के अंदर पहली कंडीशन में क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंट हो जाएगा, ये वाली मॉलिक्यूल मिलेंगे, उसके बाद इमाइन का रिडक्शन कर रहा है NaBH4, कीटोन का रिडक्शन नहीं कर रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, कितने कार्बन है यहाँ पे, 1, 2, और लास्ट में मिला है हमें N, ये मिथाइल ऊपर और ये मिथाइल नीचे, ये वाला हमें प्रोडक्ट मिला है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, अरेंजमेंट करके लिखेंगे यहाँ पे, मैं डायरेक्ट A में प्रोडक्ट बना रहा हूँ इसका, ये मेरा आ गया OH, सेकंड वाले कार्बन पे क्या अटैच है भाई, ये ग्रुप अटैच है, 1, 2, 3 और 4। अब सेकंड पे ये ग्रुप हमारा अटैच है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अटैच है, ये हमारा आ गया PH, कितने कार्बन है, 1, 2, ये 1, 2 कार्बन और ये मिथाइल और ये मिथाइल, अब 1, 2, 3 और 4, यहाँ पे क्या अटैच है भाई, बेंजीन अटैच है यहाँ पे, ये हमारा आ गया बेंजीन, ये आपका प्रोडक्ट ए आ गया, ये प्रोडक्ट ए आ गया। अब बात करते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड्स की, अब ये क्या करता है ये देखते हैं, अब ये क्या करेंगे भाई, अब ये हमें पता है इसका रोल कैसा है, यह है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये कैसा रिएजेंट है, यह है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये क्या करेगा दोस्तों, पहली कंडीशन में ही रिडक्शंस कर देगा, ये क्या करेगा फर्स्ट कंडीशन में ही रिडक्शंस कर देगा, हम लोग यहाँ पे ही इसे कंटिन्यू करेंगे, हम लोग यहीं पे इसे कंटिन्यू करेंगे दोस्तों एरो बता के। अब ये क्या करेगा भाई, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पहली कंडीशन में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कीटोन का रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या मॉलिक्यूल मिलती है भाई, ये जो दिया हुआ है आपके अकॉर्डिंग टू क्लेडन में बताया हुआ है, जो आपका रिडक्शन होने वाला है दोस्तों, यहाँ पे जो OH जो आएगा ये डाउन साइड से आएगा, यानी आपका जो हाइड्राइड आ रहा है वो लेस हिंडर्ड फेज से आ रहा है फिनाइल ग्रुप के, जैसा कि हम आपको ऊपर पिक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं। और ऐसे भी दोस्तों ये स्टीरियोकेमिस्ट्री, यहाँ पे हमें आगे क्या करना है, इस OH को निकालना ही है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर ही करना है, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे कोई इतनी इम्पोर्टेंट रोल नहीं रखती है इस वाले एग्जांपल्स के अंदर। अब जो सेकंड मोल दिया है हमें एसिडिक कंडीशन दिया हुआ है, अब क्या हुआ दोस्तों यहाँ पे एसिडिक कंडीशन दिया है और ये हमें दिया है 5 मोल दिया है, कितने मोल दिया है भाई, एसिडिक कंडीशन में 5 मोल दिया हुआ है। अब हमारे पास जो मॉलिक्यूल मिली है आफ्टर रिडक्शंस के बाद जो कंपाउंड्स मिला है दोस्तों, अब यहाँ पे हमारे पास दो एज न्यूक्लियोफाइल्स या एज बेस बोल के
जो काम करेंगे, एक होगा OH और एक होगा नाइट्रोजन। दोनों ही के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। क्या करेंगे, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, HCl से क्या करेंगे, H कैप्चर करेंगे और यहाँ पे क्या बनेगा, कुछ आपको इस तरह की मॉलिटी मिलती है यहाँ पे, ये आ गया OH2 लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, वाटर मॉलिक्यूल। और यहाँ पे हमारे पास मिथाइल होगा और हाइड्रोजन और ये पॉजिटिव चार्ज और ये PH2। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। अब यहाँ पे जो हम लोग पॉइंट डिस्कस करेंगे, जो स्टेप डिस्कस करेंगे, अब ये नाइट्रोजन है, इसकी रिएक्टिविटी कैसी हो गई दोस्तों, नाइट्रोजन की यहाँ पे रिएक्टिविटी लॉस्ट हो गई। क्यों हो गई है नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी लॉस, क्योंकि उसके पास अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे है क्या, फ्री नहीं बचे है। उसने क्या किया यहाँ पे HCl के साथ यानी एसिडिक कंडीशन के साथ रिएक्शन कर लिया और नाइट्रोजन के जो लोन पेयर थे वो क्या हो गए, इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गए और इसकी रिएक्टिविटी लॉस्ट हो गई। तो यहाँ पे फ्रेगमेंट किस तरह से होगा, इस वाले केस में फ्रेगमेंट कौन सी वाली रूट से जा रहा था, नाइट्रोजन के लोन पेयर से हम लोग क्या कर रहे थे, फ्रेगमेंट कर रहे थे। लेकिन इस सिचुएशन में यहाँ पे अब जो आपका फ्रेगमेंट होता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों यार, जो फ्रेगमेंट होता है ये जो दिख रहा है आपका फिनाइल, ये फिनाइल की जो अल्फा कार्बन वाला जो बॉन्ड दिख रहा है, अब ये फ्रेगमेंट में यूज होता है। अब यहाँ पे जो मिलता है हमें मॉइटी, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन हमें मॉइटी मिलती है दोस्तों। अब यहाँ पे हम ओवरऑल इसका लिखते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं जो मिलेगा हमें यहाँ पे, क्या मिल रहा है हम लोग वो लिखते हैं यहाँ पे। देखो ये मैंने यहाँ पे बेंजीन बना लिया, ये बेंजीन आ गई हमारी, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मिला क्या है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, यहीं पे ये इस तरह से हम लोग लिखेंगे ऐसे, ये नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन के पास एक मिथाइल दिया हुआ है और एक हाइड्रोजन दिया हुआ है, ये पॉजिटिव केस में। कितने कार्बन है भाई, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3, और 3 पे क्या है पीएच ग्रुप दिया हुआ है और यहाँ पे कार्बोकैटायन बनाया है। अब हमारे पास जो निकला हुआ है वाटर मॉलिक्यूल जो हमने लॉस किए थे दोस्तों, अब ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, इसी के साथ रिएक्ट करेगा वाटर मॉलिक्यूल, H2O रिएक्ट करेगा और एक वाटर मॉलिक्यूल इस बेंजाइलिक कार्बन पे अटैक करता है और ये जो रिएक्शन हो रही है, ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे SN1 रिएक्शन हो रही है। क्यों बोल रहा हूँ मैं SN1 रिएक्शन हो रही है, क्योंकि हमें वहां पे स्टेबल कार्बोकैटायन मिल रहा है इंटरमीडिएट, और जो सेकंड वाला वाटर मॉलिक्यूल होगा आपके पास, मैं एट ए टाइम रिएक्शन करवा रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको क्या मिल गया, बेंजाइलिक के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन हो गया, यानी यहाँ पे आपको सेकेंडरी अल्कोहल और बेंजाइलिक अल्कोहल एज ए प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलता है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे इसका प्रोडक्ट बना रहा हूँ, जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है, और कंपेयर करना है हमें इस वाले प्रोडक्ट को इस वाले प्रोडक्ट से, लिथियम एल्यूमिनियम एडेड वाले प्रोडक्ट को हमें कंपेयर करना है दोस्तों NaBH वाले प्रोडक्ट से, हमें क्या यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहा है। यहाँ पे मैं मिथाइल लिख रहा हूँ, 1 2 3, कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3। अब ये मेरा आ गया, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ OH, हम यहाँ लिखेंगे PH, कौन सा अल्कोहल आ गया मेरा, बेंजाइलिक अल्कोहल आ गया। अब देखो दोस्तों इसका जो प्रोडक्ट है और इसका प्रोडक्ट, यहाँ पे जो नेप्थलीन रिंग को क्या लगा हुआ है, अल्कोहल लगा हुआ है, ये नेप्थलीन रिंग है हमारी, इससे अल्कोहल लगा हुआ है और यहाँ पे अल्कोहल किसे लगा है, इस बेंजाइलिक वाले कार्बन को। अब अगर हमें इससे ही हमने अगर अरेंज करके अगर लिखना होगा हमें, हम यहाँ लिखते हैं इससे अरेंज करके, इसे हम लोग इस वाले रूट में लिखेंगे ताकि हमें समझने के लिए और आसानी जाए। नंबरिंग देते हैं इसे यहाँ पे हम लोग, ये 1 2 3, हम लोग क्या करेंगे, 1 यहां से लिखेंगे, मैं यहां लिख रहा हूं नाइट्रोजन, यहाँ पे आ गया ये मिथाइल, 1 2 3, 1 2 3 कार्बन है भाई, 1 2 3, ये पीएच OH आ गया, और सेकंड वाले पे ये वाली रिंग, सेकंड वाले पे, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।